सहारनपुर की जो है मुस्कान पर 49 से ज्यादा बिजनेसमैन, डॉक्टर और प्रोफेशनल्स को फंसाकर लाखों ठगने के आरोप है। तो मुस्कान ने इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप को लोगों तक पहुंचने का जरिया बनाया। तो पुलिस के मुताबिक 2020 और 2022 में दो बार मुस्कान के खिलाफ FIR हो चुकी है। तो मौजूदा वक्त में वह जमानत पर जेल से बाहर है। तो 4 महीने में शामली जो है नजीबाबाद से लेकर के मुरादाबाद तक फैला है रैकेट। तो काशी के जो है गोलाघाट, रामनगर, भीटी की रहने वाली मुस्कान सहारनपुर से जो है 2 साल पहले आई थी। यहां आने के बाद वह ब्लैकमेलिंग के धंधे में आ गई। उसके गिरोह में 6 लोग शामिल है, इसमें 2 लड़कियां शामिल है और ये नेट से जो है मिले नंबरों के जरिए लोगों को प्यार के जाल में फंसा रही थी। सहारनपुर से जो है हुआ इनका रैकेट। तो 4 महीने में ही जो है मुजफ्फरपुर, शामली, नजीबाबाद, बिजनौर, मेरठ व मुरादाबाद सहित कई शहरों तक पहुंच गया है। तो पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक अब तक 49 से ज़्यादा लोगों को शिकार बनाया जा चुका है, जिनसे लाखों रुपए जो है ठगे जा चुके हैं। तो प्रॉपर्टी डीलर जो है झांसे में नहीं आया तो मामला खुला। तो 25 नवंबर 2020 को थाना मंडी में एक प्रॉपर्टी डीलर को प्रेम जाल में फंसाया था। उससे जो है दोस्तों पैसों की डिमांड की, डिमांड पूरी न करने पर अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी दी थी। तो डीलर झांसे में नहीं आया, पुलिस की जो है मिलीभगत से उस पर जो है रेप का मुकदमा करा दिया गया। इसके बाद जो है उसने भी रंगदारी और हनी ट्रैप का केस कराया। हालांकि पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर युवती को गिरफ्तार कर लिया था। तो 23 जून 2022 को भी मुस्कान को गिरफ्तारी के बाद जमानत मिल गई। चैनल को सब्सक्राइब करें रेगुलर न्यूज़ अपडेट के लिए।